आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। टीवी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं हमारी खास पेशकश प्राइम पब्लिक और सरकार में। तो एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसका स्वास्थ्य अच्छा है। खुशहाल जीवन जीने के लिए स्वस्थ शरीर होना बेहद जरूरी है और स्वस्थ शरीर के लिए बेहतर सुविधाओं का होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपका जीवन केवल अस्पताल, दवाओं और मशीनों के चार दीवारी में ही सिमट कर रह जाता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाना हर एक इंसान का अधिकार होता है, इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर एक मरीज को बेहतर इलाज प्रदान करे। और अगर बात करें यूपी की, तो यूपी देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि यूपी की स्वास्थ्य सुविधाओं का आखिर हाल क्या है, यूपी में मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है या नहीं। ये समझने के लिए सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अस्पतालों का चक्कर बहुत थकान भरा होता है। पर्ची काउंटर पर पर्चा कटवाने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था। लंबी लाइन में घंटों इंतजार करने की वजह से कई बार मरीज की हालत और बिगड़ जाती है। ऐसे में कुछ लोग देरी के चलते इलाज कराए बिना ही घर लौट जाते हैं, तो कई बार ओपीडी का टाइम भी खत्म हो जाता था। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आभा के जरिए आपको लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आभा ऐप के फायदे: मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाओं की पर्चियां ऐप में होगी, पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी कैरी, आपकी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध, आभा कार्ड देखकर डॉक्टर को मिलेगी इलाज में मदद, रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनों से छुटकारा। दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है, छोटे बिजनेस से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियां अब अपने काम को आसान और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत में इसके बढ़ते डिमांड को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के जरिए हर प्रकार की सेवाओं और सुविधाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने पर फोकस किया जा रहा है। हर क्षेत्र में इसके बेहतर परिणाम मिलने के बाद सरकार ने हेल्थ सेक्टर को भी डिजिटल करने का निर्णय लिया, जिसके लिए सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा एक डिजिटल हेल्थ कार्ड ऐप है, जो अपने यूजर्स को डिजिटल कार्ड का फ्री एक्सेस देता है। आभा कार्ड बन जाने पर डॉक्टर के पास आपको अपनी बीमारी के पुराने रिपोर्ट नहीं ले जाने पड़ेंगे। आभा कार्ड देखकर डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपने इससे पहले कहां कहां पर इलाज कराया है, आपको कौन सी पुरानी बीमारियां हैं, आपने कौन कौन सी दवाइयां खाई। इससे डॉक्टरों को आपका इलाज करने में मदद मिलेगी। आज इस ऐप की मदद से लाखों लोग अपना इलाज करा रहे हैं और उनके समय की काफी बचत भी हो रही है। साल 2014 के बाद से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा कि इस देश को डिजिटल तरीके से और भी मजबूत बनाना है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं में भी डिजिटलाइजेशन का उपयोग किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में अब डिजिटल सेवा के माध्यम से एक ऐप बनाया गया है, आभा ऐप, जिसके माध्यम से पुरानी पर्चियों को अब कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ जो दूर दराज से लोग आते थे नंबर लगाने के लिए अस्पतालों में, उसकी झंझट को ख़त्म करने के लिए आभा ऐप काफ़ी कारगर साबित हुआ है। अगर देखा जाए तो इस ऐप के माध्यम से आपका सारा डेटा उसमें फीड होता है, डॉक्टर उसमें बाकायदा परामर्श देते हैं, और जो अव्यवस्थाएँ पहले से चल रही थी पुरानी पर्चियों को ढोने की, यहाँ पे आके नंबर लगाने की, उन सब अव्यवस्थाओं को आभा ऐप के माध्यम से दूर किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आभा ऐप का इस्तेमाल तेज़ी से हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, ग्रामीण एरिया की अगर बात करें या फिर अर्बन एरिया की बात करें, तो आभा ऐप के बारे में उनको पूर्णतः जानकारी नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का ये दायित्व बनता है कि वो आभा ऐप के बारे में लोगों को जागरूक करे। बात करें कि आभा ऐप के फ़ायदे क्या हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डॉक्टर तक आपकी पहुँच बहुत आसानी से हो पाएगी, शीघ्र आपातकालीन सुविधाएं आपको चिकित्सा के क्षेत्र में मिलनी शुरू हो जाएगी, बेहतर रोग प्रबंधन होगा, और जो तमाम जो रिपोर्ट्स होते हैं उसको इस ऐप में फीड कर दिया जाएगा, जिससे बार बार आपको अस्पताल आकर उन रिपोर्टों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी। आजकल इलाज बहुत महंगा हो गया है, हर कोई अस्पतालों की महंगी फीस और दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकता है। गरीब तबके के लोग महंगाई के कारण बेहतर इलाज से वंचित हो जाते हैं और सालों साल उसी बीमारी से जूझते रहते हैं। ऐसे में इन परिवारों की सहायता करने के लिए बनाया गया आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड उन परिवारों के लिए वरदान है जो अस्पतालों में महंगाई के कारण इलाज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। आयुष्मान कार्ड के फायदे, सरकारी और निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारक को 5 लाख का मुफ्त इलाज, रूम चार्जेस, डॉक्टर की फीस, सर्जन के चार्ज शामिल, 3 दिन का फ्री हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च, 15 दिन तक का दवाओं और डायग्नोस्टिक का खर्च, उम्र, परिवार और जेंडर संबंधी बाध्यता नहीं, जरूरी आईडी के जरिए पहचान साबित की जाती है। कैसे उठाएं योजना का लाभ, आवेदक भारत का नागरिक हो। आवेदकों के नाम SECC 2011 में शामिल होने चाहिए। देश भर के चिन्हित सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज। गरीब और सुविधा से वंचित यानी BPL धारक हो। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर ना हो। देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की स्वास्थ्य में हो रही दिक्कतों को देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना की शुरुआत की जाती है, आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत अगर बात की जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लगभग 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ व्यक्तियों को कहीं ना कहीं 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त सरकार दे रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो इस अभियान से कहीं ना कहीं निश्चित तौर से देश भर के तमाम लोगों को मिला है, और बात करें तो सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अनुबंधित प्राइवेट अस्पतालों में भी ये इलाज करवाना लोगों के लिए संभव हो गया है। मगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के मलिन बस्तियों के तमाम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस योजना से अवगत न होने की वजह से आज भी वो लाभ से वंचित हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी बीमारी है जिससे हर साल भारत में लाखों लोगों की मौत हो जाती है? अगर आपका जवाब ट्यूबरक्लोसिस है तो हाँ, आप सही हैं। ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ों की बीमारी है जो फेफड़ों से शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। अगर ठीक से इसका इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। भारत में हर साल लगभग 28 से 30 लाख लोग टीबी के चपेट में आ जाते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे
कि दुनिया के कुल टीबी मरीजों में 26% भारत के हैं और उनमें 20% केवल उत्तर प्रदेश के हैं। इस लिहाज से देश में टीबी का हर पांचवा मरीज उत्तर प्रदेश से होता है। टीबी कितनी खतरनाक बीमारी है ये जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सरकार इसके रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है और क्या कभी इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। बता दें कि साल 2025 तक भारत टीबी जैसी घातक बीमारी को खत्म करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। इसी क्रम में यूपी सरकार ने इस साल 6.25 लाख मरीजों के इलाज कराने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ यूपी की राजधानी लखनऊ पर ज्यादा फोकस करते हुए 26,230 मरीजों के इलाज का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से टीबी मरीजों को नोटिफाई किया जाना है। योजनाओं की बात करें तो निक्षय पोषण योजना के तहत इलाज के दौरान हर महीने टीबी के मरीजों के खाते में 500 रुपए भी दिए जा रहे हैं। इस योजना से लाखों टीबी मरीजों को लाभ मिल रहा है। सरकार टीबी के रोकथाम के लिए जोरों शोरों से काम कर रही है और इससे कई मरीजों को फायदा भी पहुंच रहा है। हालांकि अभी इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक मिलकर यूपी वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में यूपी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों के लिए क्या बदलाव करती है और हर घर तक इन योजनाओं को कैसे पहुंचाती है। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने की लगातार कवायद की जा रही है, उसी की जमीनी हकीकत को जानने के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर भी एक्टिव हो चुके हैं और अस्पतालों में जाकर वहां का जायजा भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में प्राइम टीवी के ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव ने लखनऊ के सीएमओ से खास बातचीत की है और अस्पतालों का हाल जानने की भी कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कवायद लगातार प्रदेश में चलती रहती है क्योंकि प्रदेश हमारा बड़ा है और यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को देखना जरूरी है। इसके अलावा पर तैयारियां बहुत आवश्यक है क्योंकि हमने हमेशा देखा है जब भी बरसात होती है तो संक्रामक रोग सबसे ज़्यादा फैलते हैं। तैयारियां कैसी हैं, कैसे इंतजाम हैं, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल। जानते हैं कैसी व्यवस्था की जा रही है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि बरसात के बाद थोड़ा सा संक्रामक रोगों की परसेंटेज में बढ़ोतरी होती है, इस बार अभी वो स्थिति नहीं है ना, हम लोग देख रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स मीडिया के द्वारा ही मिल रही हैं कि कुछ जगहों पे छोटे मोटे केसेस डायरिया इत्यादि के बढ़े हैं। हम लोग लगातार इस सिलसिले में कार्रवाई कर रहे हैं और नगर निगम के साथ पूरा तारतम्य बनाए हुए हैं। हर जगह हम लोगों ने वाटर का सुपर क्लोरिनेशन कराने का निर्देश दिया हुआ है जिससे क्लोरीन की मात्रा बढ़ने पर जो बैक्टीरिया इत्यादि हैं वो पनप ना पाएँ। इसके अलावा सीवेज इत्यादि पे लगातार काम चल रहा है, ओवरहेड टैंक्स पे काम चल रहा है और हमारे जितने भी चिकित्सा अधिष्ठान हैं चाहे वो पीएचसी हो चाहे सीएचसी हो चाहे वो 9 जिला स्तरीय चिकित्सालय हो, सब जगह पे बेड्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहते हैं कि कोई अगर आउटब्रेक होता है तो उसके अंदर तत्काल हम लोग सहायता प्रदान कर सकें। पर्याप्त मात्राओं में दवाएँ और उपकरण जो है वो राजधानी होने के नाते भी और वैसे भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं और कमोबेश पूरे प्रदेश में दवाओं इत्यादि की कोई भी कमी नहीं है। इन बीमारियों को देखते हुए
जहाँ तक मच्छर जनित रोगों का सवाल है तो उसमें सबसे पहला तो हमारा जो सबमिशन है, सबसे बड़ी अपील है पब्लिक से, वो ये है कि ऐसी परिस्थितियाँ ना पैदा होने दें कि घर के आसपास पानी का जमाव हो जिससे मच्छर बढ़ सके। बाकी कहीं भी अगर कोई इस तरह का केस रिपोर्ट होता है तत्काल हमारी टीम 12 घंटे के अंदर वहाँ पर मच्छर रोधक गतिविधियाँ करती है, चालान भी काटे जाते हैं। अभी तक हम लोग 168 चालान ऑलरेडी काट चुके हैं जिसमें अर्थदंड भी शामिल है, और उसी के साथ साथ नगर निगम जो है वो भी इसी हफ्ते से सघन फॉगिंग का अभियान शुरू करने जा रहा है। जो भी हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जो कि ऑलरेडी चिन्हित हैं जहाँ पे पहले भी केसेस होते रहे हैं, तो वहाँ पे इसी हफ्ते से फॉगिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि डेंगू फैल रहा था, इस बार फैला है, लगातार फैल रहा है। इस बार हमने देखा है पिछले साल की अगर बात करें तो चिकनगुनिया एक बीमारी आई थी, वो भी लगातार फैली थी, जो कि एक समय अगर हम बात करें तो 2006-07 में दिल्ली में बड़ी आई हुई थी और पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी थी। ये बीमारी दोबारा दस्तक दी है और चिकनगुनिया के बड़े मरीज देखने को मिले हैं, और स्थिति ये रही है कि जो प्रभाव है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जोड़ों में उनमें दर्द रहता है। तो यहाँ पर चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए क्या कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है, क्या उसके लिए अलग से कोई कार्यशैली रखी गई है? देखिए, चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलने वाली बीमारी है और एक वायरस है, और इसकी एंडेमिसिटी है स्टेट में, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके अंदर कोई मृत्यु दर नहीं है, लेकिन इसमें कुछ समय के लिए मरीज जो है वो अक्षम हो जाते हैं, उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है लेकिन वो भी ठीक हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग डेंगू से बचाव के उपाय कर रहे हैं, वही उपाय स्पेसिफिकली चिकनगुनिया के लिए भी हैं। फिर मैं दोबारा अपील करूँगा आपकी चैनल के माध्यम से पब्लिक से कि घर के आसपास पानी बिल्कुल ना इकट्ठा होने दें, घर के अंदर कोई पुराने टायर, पुरानी बाल्टियाँ, छतों को चेक कर लें, छतों के अंदर पुराने कूलर, कहीं भी अगर मच्छर रुक, अगर पानी रुक गया तो मच्छर ज़रूर प्रोपगेट करेंगे, और जब मच्छर प्रोपगेट करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो अगर अपना बचाव वो लोग खुद करेंगे तो हम लोग भी उनकी सहायता के लिए पूरी तरह से कमर बांध के खड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज अग्रवाल, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं अवैध अस्पतालों के खिलाफ, और हम लगातार देख रहे हैं कि अवैध अस्पतालों में एक डर सा व्याप्त हो गया है कि अगर बिना पंजीकरण के चलाएंगे तो कार्रवाई होनी तय है। तब भी हम लगातार देखते हैं कि जो पंजीकरण है वो कराने के वो पीछे रहते हैं और तमाम तरह के ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। लगातार कार्रवाई जारी है आपके द्वारा, पर ऐसे अस्पतालों को पंजीकृत कराने के लिए और जो उनकी गाइडलाइंस हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो पूरे मानक तय कराने के लिए क्या कुछ अभियान चलाने वाले हैं आने वाले समय में? अभियान हमेशा हमारा हमेशा चलता रहता है। अभी भी एक हमारी टीम गई हुई है जो कि कुछ स्थानों पर छापेमारी करेगी। जैसे ही हमको किसी भी प्रबुद्धजन से सूचना मिलती है, मीडिया के माध्यम से सूचना मिलती है, तत्काल हमारी कार्रवाई होती है, और हमारे हमने अब इस जो झोला छाप डॉक्टरों के अगेंस्ट कार्रवाई को डिसेंट्रलाइज भी कर दिया है। हमारे जो बाल महिला चिकित्सालय यानी कि अर्बन PHCs और रूरल PHCs के अधीक्षकों को अब पूरी तरह अधिकृत कर दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में कोई भी सूचना मिले तो CMO के बिहाफ पे CMO के की शक्तियाँ उनको प्रदत्त कर दी गई हैं कि वो जाके वहाँ पे उसको बंद करें, और उसके बाद फिर CMO कार्यालय से तारतम्य स्थापित करके उन्हें कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो ये काम लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हर एक इंसान की अपनी कार्यशैली होती है, बगैर CMO की बात ना करते हुए हम अगर डॉक्टर मनोज अग्रवाल तो वर्तमान में CMO हैं, उनकी कार्यशैली कैसे अलग है और क्या कुछ अलग कर रहे हैं लखनऊ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के? देखिए, CMO जो है वो एक पूरी शासकीय व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है, और नीतियाँ शासन द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान सरकार और पुरानी सरकारें भी सब स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग और सचेत थी। पिछले 7-8 वर्षों में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है, और लखनऊ चूँकि राजधानी है तो लखनऊ में और बहुत बड़ी जनसंख्या है यहाँ पर, तो नए नए चिकित्सालय खुल रहे हैं, नई नई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। हमारे पास 3 नेशनल लेवल के मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जिसमें रामन रोड, लोहिया, KGMC और PGI हैं। 9 जिला स्तरीय चिकित्सालय हैं, 9 जिला स्तरीय चिकित्सालय जो कि बहुत बड़ी मात्रा है, और इसके अलावा हमारे पास 52 अर्बन PHCs, 28 रूरल PHCs हैं, 68 हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अर्बन में हैं और 196 रूरल में हैं, 126 हेल्थ ATMs लगे हुए हैं हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक साथ घटित हो रही हैं और जन जन तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचे,
बस मेरा यही लक्ष्य है और यही लक्ष्य सरकार का है, और जिसके भी हाथों से ये चीज़ हो जाए वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। तब भी सर एक जानकारी जरूर लेना चाहूँगा कि आपने बताया कि जो तमाम तरह की व्यवस्थाएँ हमारे पास मौजूद हैं, हम देखते हैं कि तमाम व्यवस्थाएँ बेहतर हैं, तब भी जो मरीजों की संख्या है उस पर लगातार इजाफा होता जा रहा है, कतारें लगी रहती हैं, लाइन लगी रहती हैं, इस व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए आपके द्वारा क्या राय दी जा सकती है? देखिए इसकी एक तो आपको मालूम है कि राजधानी होने की वजह से और उच्च श्रेणी की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने के कारण लखनऊ जनपद सिर्फ लखनऊ ही नहीं पूर्वांचल तक के मरीजों को इलाज के लिए लखनऊ में आना पड़ता है, और अगल बगल के निकटवर्ती ज़िले जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली छोटे से छोटी बीमारी के लिए भी लखनऊ में ही इलाज कराने अगर वो सक्षम है तो लखनऊ आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो एक्चुअल हेल्थ लोड आपको दिखता है ओपीडी में वो लखनऊ का ना होकर लखनऊ के साथ साथ बहुत सारे जनपदों का भी है, और उसी को कोप करने के लिए सरकार जो है नए नए चिकित्सा संस्थान चिकित्सा अधिष्ठान खोल रही है, नई नई CHCs नई PHCs खोल रही हैं, ट्रॉमा सेंटर खोल रहे हैं, तो लखनऊ में बहुत सारी नई नई यूनिट्स आ रही हैं। अभी देखिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चंद्रनगर में हमारा आ रहा है, आप कभी वहाँ जाके देखें 10 दिन के अंदर उसको हम लोग शुरू कर देंगे, सारी विशेषज्ञताओं के डॉक्टर वहाँ पे हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन है, तो पूरी सुविधाएं सरकार प्रोवाइड कर रही है, बस वो गतिशील तरीके से बढ़ें आगे और कार्यान्वित हो जाएं और धरातल पे सफल हों, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है। प्राइम टीवी के माध्यम से अपने आखिरी अपील क्या करें? सर हमारी जो आखिरी अपील है बस वो फिर वो संक्रामक रोगों को लेकर ही है, और विशेषकर मच्छर जनित बीमारियों को लेकर के और जल जनित बीमारियों को लेकर के, शुद्ध जल पिए, उबाल के पानी पिए, क्लोरीन की टैबलेट डाल के पानी पिए, कहीं कहीं प्रदूषित पदार्थ ना खाएं, बाहर का खाना बंद कर दें, घर के अंदर शुद्ध खाना खाएं, कोई भी आपको जल जनित रोग नहीं होगा, जिनमें बहुत सारे रोग हैं जैसे कि डायरिया है, जॉन्डिस है, और घर के पास मच्छरों को ना पनपने दें, और मच्छर जनित स्थिति होते ही तत्काल हमको या नगर निगम के कंट्रोल रूम को सूचित करें, 24 घंटे हमारा कंट्रोल रूम जारी रहता है, हमारी यहाँ से 12 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी, बस पब्लिक से यही अपील है, पब्लिक सहयोग करे तो हम लोग और आगे बढ़ के सहयोग करें। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के CMO डॉक्टर मनोज अग्रवाल, उनका कहना है कि पब्लिक को भी यहाँ पर सहयोग करना पड़ेगा, मच्छरों से बचाव करना जरूरी है, और कोई समस्या होने पर हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तैयार है, 12 घंटे में कार्रवाई भी होगी, तमाम तरह के अभियानों के माध्यम से मच्छर को भगाने का भी उनका प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में उनके तमाम तरह के अभियान भी चलेंगे जो अवैध हॉस्पिटल और अवैध झोला छाप क्लिनिक के खिलाफ रहेंगे। आने वाले समय में क्या कुछ नया बेहतर होगा उनकी कार्यशैली बताती है, कुछ अलग करने के लिए लखनऊ में आए हुए हैं, उस बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जो कवायद उनकी चल रही है ये आने वाले समय में और भी कुछ अच्छी असर दिखाती नजर आएगी। कैमरापर्सन विजय के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम TV लखनऊ। तो देखिए लखनऊ के तो CMO ने साफ तौर पर यह निर्देश दे दिए हैं कि जो भी अवैध तरीके से हॉस्पिटल्स और क्लिनिक संचालित हो रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जाएगी, और यूपी के सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है, जहां भी खमियां पाई गई हैं, जहां भी कमियां देखी गई हैं उन सभी कमियों को दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए इस पूरे हफ्ते हम जानेंगे यूपी का मेडिकल चेकअप, यानी कि यूपी की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कितनी दुरुस्त हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि CM के साथ ही स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण अस्पतालों का करते हुए नजर आते हैं, अस्पतालों का हाल जानते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई खामियां देखने को मिलती हैं, और उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए लगातार जो स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रजेश पाठक है वो दिशा निर्देश और हिदायत भी देते हैं। तो वहीं यूपी के मेडिकल चेकअप जो कि हमारा एक हफ्ते के प्रोग्राम चलने वाला है, इसमें हमारे सहयोगी लगातार जमीनी स्तर पर उतरेंगे, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और अस्पतालों के अंदर की तस्वीरें क्या है, मरीजों को किस तरीके से इलाज मिल रहा है उसकी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम दिखाएंगे। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।